ऐड सीखते हैं। ऐड का क्या है? वो छोटा ऐड तो एक एक का तो हम लोग सीख ही चुके हैं। 2 + 3 = 5, से 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5, तो ये एडिशन हुआ सिंपल। लेकिन 2 डिजिट का अगर करना हो तो कैसे करेंगे? तो जैसे हुआ 54 + 35 प्लस, तो कितना होगा? तो हम लोगों को ऐसे ऐड करना है, 5 + 4 = 9 और 5 + 3 = 8। ये तो बड़ा नहीं हुआ, ये सिंपल हुआ। एक और देख लेते हैं। (69 + 96) ठीक, इसको ऐड करना है। तो 9 + 6 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 6, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा वो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हुआ ना। तो ये 2 डिजिट का है, इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा? सिर्फ 5 लिखना है, 1 को बस याद रखना है, 5 हुआ। अब जो 1 है उसको यहाँ लिख देंगे इसके ऊपर, 6 और 9 के ऊपर। अब क्या है? अब 9 और 6 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे तो ऐड किया हुआ है 9 और 6, इसमें जो वैल्यू आया है इसमें भी तो वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 + 6 = 15 हुआ था, इसमें ये 1 को ऐड कर देंगे, ये जो 1 है ना इसको ऐड कर देंगे, तो कितना होगा? 16। अब इसके आगे तो कुछ डिवाइड कुछ ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे 16 सीधा लिख देना है। बस ऐसा ही सारा ही एडिशन होता है, तो इसको बस प्रैक्टिस करना है, बस सारा कुछ ऐसा इतना ही एडिशन में सीखना होता है। 3 डिजिट का सीख सकते हैं, 4 डिजिट का सीख सकते हैं, सिर्फ एक एक बार प्रैक्टिस करना है, बस यही चीज़ सीखना होता है इसमें।